हंसी वादियां, ये खुला आसमां। बहुत खूबसूरत जगह में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, पालमपुर से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी में है, आई थिंक 15 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स की दूरी पर है। लेकिन इस जगह की खासियत यह है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। अब आप समझ गए होंगे कि आज कौन से बिजनेस की बात हम करने वाले हैं और साथ ही साथ कौन से एरिया में हम खड़े हैं। हम खड़े हैं बिलिंग में, और मुझे लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना काल के दौर से हम गुजर रहे हैं, हाँ ऐसा माहौल मिल जाए ना तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। मतलब भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से कोरोना दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट ऐसी जगहों पर आएँ, एक्सप्लोर करें, सबका बिजनेस हो और सबके बिजनेस ऊंचे हों। तो चलिए आज हम इसी बिजनेस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के एंड में जो आप देखने वाले हैं ना, वो शायद आप घर बैठे कभी नहीं देख पाएंगे। वो एडवेंचर आप देखेंगे जिसकी आप कल्पना करते थे, लेकिन शायद आपने भी प्लान बनाए हों कि 2020 में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन इस कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा पाए। तो हम हैं तो क्या गम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस आइडिया आज। तो मेरे साथ जो है वो पैराग्लाइडर हैं और इनका नाम है राहुल अका मार्टिन। आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को हो गए 8 इयर्स। कितना लागत लगी जब शुरुआत की, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ा? तो हम लोग को अराउंड 4 लाख पहले अपने जेब से लगाना पड़ता है, ग्लाइडर्स खरीदना पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग जैसे बिजनेस है तो उसी हिसाब से हम लोग मतलब फ्लाइंग करते हैं। तो प्रॉफिट आना कितने सालों में शुरू हुआ? पहले तो अपना जो भी हमने 4 लाख लगाया है उसको कवर करना पड़ता है, अराउंड 1-1.5 साल तो पहले उसको कवर करने के लिए लग जाता है। जैसे ये लाइफ टाइम के लिए यूज़ नहीं है इसका, जैसे 150 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 160 घंटे इतना ही इसका लाइफ टाइम है। तो हम लोगों को जैसे 1 ईयर्स के बाद प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा नहीं तो मतलब 8 लाख तक 7 लाख तक हम लोग कम्प्लीट कर देते हैं। इसमें ऐसा है कि अगर आप एडवेंचर करने की इच्छा रखते हो तो तभी ये चीज़ कर पाओगे, अगर आपको डर लगता है या कुछ लगता है तो ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपके साथ जब और लोग भी होते हैं, उड़ते हैं, तो आपको सबसे पहले उनकी सेफ्टी देखना पड़ता है, ना कि अपना डर। जैसे जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस चीज़ की, तो हम लोग को कम से कम 200-250 घंटे खुद सोलो में करना पड़ता है। उसके बाद जैसे हम लोग को जो यहाँ की एसोसिएशन है वो हम लोग को सर्टिफिकेट देती है, कोर्स कम्प्लीट होता है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाई स्टेप फिर आगे जाते हैं टैंडम तक। जैसे ये जो पैराग्लाइडिंग है वो हिमाचल टूरिज्म के अंडर आती है हमारे, तो वो लोग ही हम लोग को लाइसेंस देते हैं, जो टैंडम लाइसेंस मिलता है वो हम लोग को उन्हीं के थ्रू मिलता है। वर्कर नहीं चाहिए, बस फर्स्ट आपको एक टूर एंड ट्रैवल का हम लोग को एक रजिस्टर ये करना पड़ेगा हम लोग को अपना कंपनी टाइप में, तो उसके बाद हम लोग अपना ऑफिस ये करके फिर इंक्वायरीज वैसे धीरे धीरे आती रहती है। क्या एज क्राइटेरिया क्या रहता है? अगर फॉरनर के हिसाब से चले तो 4 साल का बच्चा भी इसको स्टार्ट कर सकता है, और इंडियन के हिसाब से चले तो 10 साल, मतलब 8-9 साल 10 साल का लड़का होना चाहिए, क्योंकि उतना सोच हो जाएगी उसके अंदर तो तभी उस चीज़ को कर पाएगा। तो ये पैराग्लाइडिंग के बिजनेस के बारे में आपको हमने बताया, और साथ ही साथ अगर आप बिलिंग आते हैं ना तो पैराग्लाइडिंग आप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पैशनेट हैं, आप कुछ करने के शौकीन हैं, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, एडवेंचर अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि पैराग्लाइडिंग से अच्छा बिजनेस कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी जगहों पर आना ना एक तो सुकून देता है, मेंटली आपको सुकून देता है। शहरों के लोग गाँव की तरफ अब रुख करने लगे हैं, और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो दिल्ली बॉम्बे से उठकर ऐसी छोटी जगहों पर अब बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। उन तमाम बिजनेस के बारे में भी मैं आपको वीडियोस लगातार अपलोड कर रही हूँ, और साथ में मैंने आपको बताया था कि एंड में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से पैराग्लाइडिंग होती है। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं और कैसे आसमान में उड़ते हैं। क्रेडिट भरोसा व्यापार का